नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत, आप देख रहे हैं धनशी टेक्निकल। तो आइए चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो है Xiaomi के Mi 7 के बारे में, जो लेटेस्ट लीक्स और पिक्स जो है आपने थंबनेल में देखी होगी, और भी आगे मैं आपको पिक्स जो है वो दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से जो है वो अभी MWC में वो लॉन्च करने वाले हैं। MI6 जो है वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, पर MI7 जो है वो इंडिया में लॉन्च होगा, ऐसी कुछ लीक्स जो है वो निकल के आ रही हैं। सारी स्पेसिफिकेशन और पिक्स जो है मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो आइए जो है वीडियो शुरुआत करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब बात करते हैं Xiaomi के MI7 की, Mi 7 की। इसमें जो है आप जो है यहाँ पे साइड में पिक्स में जो है वो देख पा रहे होंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा एक 6 इंच की स्क्रीन जो कि बहुत ही पतले बेजल्स के साथ में आएगी, 18:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ में, बिल्कुल ही बेजल लेस है नीचे और साइड की तरफ से। ये ऊपर में आप देख पा रहे होंगे थोड़े से बेजल जो है वो आपको इसमें दिख रहे हैं। 6 इंच की स्क्रीन होगी इसकी, 2K वाली, तो काफी बेहतरीन जो है वो इसकी स्क्रीन की क्वालिटी जो है वो होने वाली है, और बेजल्स लेस है नीचे और साइड की तरफ से, और 18:9 के एक्सपेक्ट रेशियो में होने के कारण 6 इंच का स्क्रीन आपको जो है वो बल्कि भी नहीं लगेगा, आराम से आप जो है वो वन हैंड जो है यूज जो है वो कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको इसमें 6GB और जो है 8GB का रैम वेरिएंट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 6GB के साथ 32GB का स्टोरेज और 8GB के साथ 64GB का स्टोरेज जो है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन पहली बार सुनने में आया है, ज्यादा यूज टू नहीं है, पर ये थोड़ा अजीब सा है, पर जो है ये लीक सभी तक निकल के आ रही है। फाइनल क्या होता है, 90% जो है वो स्पेसिफिकेशन जो है वो सेम रहने वाली है, 10% जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, और आपको पीछे की तरफ जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा क्योंकि सामने की तरफ नीचे से बिल्कुल ही बेजल लेस है, और आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 845 जो है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि पहला फोन होगा अभी तक Xiaomi की तरफ से जिसमें स्नैपड्रैगन का 845 जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 3500 mAh की जो है बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, और साथ ही साथ इसमें एक और प्लस पॉइंट जो है वो हो सकता है क्योंकि पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि पूरा ग्लास बैक है फोन जो है, तो इसमें हो सकता है कि वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करे। Xiaomi की तरफ से पहला फोन हो जिसमें वायरलेस चार्जिंग भी जो है वो आप इसमें कर पाएंगे, वायरलेस चार्जिंग जो है वो इसमें सपोर्ट होगी। और अब बात करते हैं इसके कैमरा की, कैमरा जो है वो 16+16 मेगापिक्सल का आपको इसमें पीछे की तरफ जो है वो कैमरा मिलेगा, सामने की तरफ जो है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा सिंगल जो है वो मिल सकता है क्योंकि सामने की तरफ जो है बेजल बिल्कुल ही कम है, आप देख पा रहे हैं तो ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए ईयरपीस के बाजू में जो है वो 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा सिंगल, और पीछे की तरफ जो है वो 16+16 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आपको USB टाइप सी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, ताकि आप जो है फास्ट चार्जिंग वगैरह और जो है डाटा ट्रांसफर जो आप करते हैं OTG या USB से वो फास्ट जो है वो कर सके। और जो है इसकी बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग जो अभी निकल के आ रही है वो है 29,999 रुपए, यानी कि 30,000 रुपए, यानी कि अगर ये फोन जो है इंडिया में लॉन्च करते हैं तो ये फोन जो है OnePlus 5T का जो है वो किलर हो जाएगा, क्योंकि वो आता है 32,000 रुपए में, और उससे कुछ अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ जो है ये फोन जो आएगा, और बिल्ड क्वालिटी जो है वो आप देख रहे हैं काफी अच्छी है, ग्लास का पूरा बैक है इसमें और फिनिशिंग काफी अच्छी है, और 6GB 8GB रैम के साथ आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 845, USB टाइप सी, फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, 16+16 मेगापिक्सल का पीछे की तरफ कैमरा, तो काफी अच्छा फोन ये रहने वाला है। MWC में अभी ये लॉन्च होगा, और कितनी जल्दी जब ये इंडियन मार्केट में आएगा तो OnePlus 5T और बहुत सारे फोन्स को जो है ये किल कर सकता है। तो देखते हैं जब ये फोन जो है वो लॉन्च होगा तो इसका रिव्यू मैं आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप जरूर से मुझे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं, मैं सारे सवालों के आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, उसी को आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।